हरियाणा के हांसी के पास कारोबारी को जिंदा जलाकर 10,90,000 रुपए लूटने के मामले में बड़ा हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। आपको यहां बता दें कि कारोबारी राम मेहर जागलान का जिंदा जलने का शव का पता लगा था। असल में कारोबारी राम मेहर जागलान को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। यह शव राम मेहर का है या नहीं अब स्पष्ट हो रहा है। कारोबारी की कॉल डिटेल की जांच में पुलिस को उसकी एक महिला मित्र का पता चला है। उसी से पूछताछ के बाद पुलिस कारोबारी को ट्रेस करने में कामयाब हुई। चर्चा है कि लूट और हत्या का ड्रामा रचने के लिए कारोबारी ने रोहतक से करीब 1.5 लाख रुपए में कोरोना मरीज का शव खरीदा था। इसे ड्राइवर की बगल वाली सीट पर रखकर कार में केमिकल छिड़ककर आग लगा दी। हालांकि शव खरीदने के दावे की अभी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। जांच में सामने आया कि डाटा गांव निवासी डिस्पोजल फैक्ट्री संचालक राम मेहर ने कुछ समय पहले 1.60 करोड़ की बीमा पॉलिसी करवाई थी। वहीं हिसार रेंज के आईजी संजय कुमार के अनुसार बीमा की रकम हड़पने और कर्जदारों से छुटकारा पाने के लिए राम मेहर ने यह नाटक रचा। पुलिस जांच कर रही है कि कार में जला मिला शख्स कौन था। बता दें कि पुलिस कैसे राम मेहर तक पहुंची। वारदात से लेकर पहले 6 दिन तक उस नंबर से व्यापारी के फोन पर कम बात हुई थी, लेकिन अचानक एक नए नंबर पर ज्यादा बातें होने लगी थी। अब इस नए नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो इसकी लोकेशन भी वारदात स्थल के पास ही मिली थी, जहां व्यापारी के फोन की लोकेशन आई थी। तब पुलिस ने महिला को काबू करके पूछताछ की तो उसने सच्चाई उगल दी। इसके बाद राम मेहर तक पुलिस पहुंची। आईजी के अनुसार इस तरह की चर्चा उनके सामने भी आई है, लेकिन सच्चाई राम मेहर से पूछताछ के बाद ही सामने आएगी। यह भी आशंका है कि राम मेहर ने किसी की हत्या के बाद शव जलाया हो। वहीं बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल के अनुसार व्यापारी का एक पुराना मजदूर यहां रहता है, जिसे व्यापारी ने बताया था कि वह बिलासपुर में जमीन खरीदने आया है। साइबर सेल की मदद से व्यापारी राम मेहर की कॉल डिटेल खंगाली गई। इस दौरान एक महिला मित्र का नंबर ट्रेस हुआ था। राम मेहर पुत्र टेकराम गांव डाटा तहसील हांसी जिला हिसार का यहां रहने वाला स्थायी निवासी है, जिसमें डिकॉयटी विद मर्डर की सूचना पुलिस के सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि राम मेहर सन ऑफ टेकराम विलेज डाटा गांव का जो निवासी है व्यापारी है, उसकी मृत्यु हुई है जलाने के बाद और उसको लूटा गया है। और जैसा कि ये घटनाक्रम हुआ था, रात को 11 बजे के करीब राम मेहर ने अपने परिवार वालों को फ़ोन किया और उनको बताया कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और वो उनको आकर बचा लें। ये टाइम है 11:15 बजे का। उसके पश्चात करीब 12:05 पर पुलिस के पास फ़ोन आया इस बारे में कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। उसके बाद करीब 12:10 पर भाटला चौकी से हमारी पुलिस जो मौका है वहाँ पर पहुँच गई थी। उसके ही 5-10 बाद उसके जो परिवारजन हैं वो पहुँचे थे। जब वहाँ पर पहुँचे तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, गाड़ी जल रही थी और उसमें एक बॉडी थी जो पूरी तरीके से जल चुकी थी। पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए महत्वपूर्ण सुराग लगाए और जो अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें पुलिस ने ये फाउंड आउट किया है कि जो राम मेहर व्यक्ति है वो एक्चुअली में अभी मरा ही नहीं है। ये पूरा एक घटनाक्रम फैब्रिकेटेड है और जो राम मेहर व्यक्ति है उसकी पुलिस को तलाश थी, पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी जो हमारे पास महत्वपूर्ण जो क्लूज थे उसके हिसाब से, और उसको आज बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पुलिस ने पाया है और वहाँ से उसको लेकर आ रही है। आप सभी की जानकारी के लिए राम मेहर की ये आज की फोटो है, 20 तारीख की, सॉरी 9 तारीख की 3 बजे की। और साथ ही साथ क्योंकि अभी वो आया नहीं है, साथ ही साथ बनवाया वहाँ से जी आज की डेट का न्यूज़पेपर तो जैसा कि आप सभी ने देखा जो राम मेहर व्यक्ति है एक्चुअली में उसके कोई उसका मर्डर नहीं हुआ,
और पुलिस की जो जांच है उसमें अभी तक यही सामने आया हुआ है कि इसमें कोई लूटपाट की घटना नहीं है और इसमें जो बाकी जो एंगल्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसके बारे में भी जल्दी खुलासा किया जाएगा। वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे ही राम मेयर आएगा और उसमें आगे की जो तफ्तीश होगी उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि जो स्केलेटन मिला है वो किसका है। तो कितने लोग थे सर राम मेयर के साथ उस दिन, कुछ अभी तक आपकी जानकारी में है? अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें राम मेयर उस दिन अकेला ही था वहाँ पर और उसके अलावा अभी किसी की इन्वॉल्वमेंट अभी सामने नहीं आई है। बाकी अभी जाँच का विषय है, आगे जाँच में नई चीजें आ सकती हैं। पुलिस को कैसे डाउट हुआ कि ये जो डेड बॉडी ये रामेर की नहीं है और ये लूट की घटना भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो घटनाक्रम था उसमें कई चीजें, जो मौके पर हमारी एफएसएल टीम गई और हमारे डॉक्टर अजय भी गए हिसार से, मैं भी गया, सभी ने उसका जो मौके का मुआयना किया, उसके पश्चात उसमें कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। सबसे पहले तो ये था, अगर ये लूट की घटना होती तो गाड़ी जिस तरीके से वहाँ पर एक साइड में पार्क थी तो वो उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि गाड़ी भगाने की कोशिश की गई हो या फिर कोई उनके पीछे लगा हो, कोई उसमें टसल हुई हो आपस में, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं प्रतीत हो रही थी। साथ ही साथ गाड़ी जब खड़ी थी उसका हैंड ब्रेक लगा हुआ था, तो हैंड ब्रेक अमूमन जब पार्किंग की जाती है आराम से उसी टाइम पर लगाया जाता है। तीसरी बात, जो गाड़ी जो बॉडी मिली है वो कंडक्टर सीट पर मिली है और जो जो उसकी जो सीट थी वो भी रिक्लाइंड पोजीशन में थी। तो उस इस पूरे जो सीन ऑफ क्राइम की जो एनालिसिस से भी यही प्रतीत हो रहा था कि इसमें कुछ अमिस है, कुछ ये घटनाक्रम कुछ और है और जो ये दर्शाया जा रहा है वो वाकई में नहीं है। मोडस ऑपरेंडी क्या है? जो मोडस ऑपरेंडी है उसके बारे में अभी जब पूरी जांच होगी उसके बाद ही इसमें आगे की चीजें आ पाएंगी। सर ये भी कहा गया कि राम मेयर का 5 करोड़ का बीमा था, इस वजह से पूरा सवाल रचा। अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पास जो जानकारी उपलब्ध है उसमें दो बीमों की जानकारी हमारे पास आई है। करीब 1 करोड़ 10 लाख का इसका SBI का बीमा है और 50 लाख की LIC की पॉलिसी है जो शायद रिसेंटली कराई गई थी, बट इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके जो डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स है अभी हमें लेने बाकी है। इसमें सर अपने मोबाइल था, उसके बाद फोन रखा है बंद था इसका, उसने वो उसकी वजह से नहीं फंस गया? मोबाइल उसका उस टाइम के बाद से ऑफ था, पुलिस अन्य सुरागों पे कार्य करते हुए उसके पास पहुंची है। क्या रामेर के परिवार के लोगों के शामिल होने की कोई आशंका इसमें पैदा हो रही है? अभी ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अब जैसे जैसे पूछताछ होगी उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। गर्लफ्रेंड का भी कोई फैक्टर सामने आया राम मेयर की? मैंने जैसे कि बताया अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एक बार सारी पूछताछ हो जाने दीजिए और सारे जो क्लूज हैं उनको पूरा वर्कआउट करने के बाद हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। स्केलेटन जो मिला है सर वो FAG है या एक्चुअल है? स्केलेटन जो अभी तक जो प्रारंभिक जो वहाँ पर प्राइमा फेसी वहाँ पर जो डॉक्टर्स ने जांच किया, स्केलेटन रियल है। हाँ, स्केलेटन रियल है और उससे हमने जो DNA सैंपल वगैरह जो भी पॉसिबल थे वो भी लेके भिजवाए हुए हैं लैब में। तो सर उसके साथ अभी कोई और भी पाया गया है के साथ? नहीं, अभी उसके साथ कोई नहीं पाया गया है और बाकी आगे आपको बताया जाए। ये कुछ इसकी सेंसिटिव डिटेल्स हैं इन्वेस्टिगेशन की जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते क्योंकि मैटर सब ज्यूडिस है और इसमें काफ़ी जो एंगल्स हैं उन पे अभी जांच होना बाकी है। तो ये जो कैसे और जो सारी कहानी है ये आपको थोड़ा डिटेल में पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको दोबारा बताएंगे। सर आज से कब तक ले आएंगे राम? ये मोस्ट प्रॉब्ली कल तक हमारे पास आ जाएगा। सर इतना फ्रॉडुलेंट हुआ, इतनी मिस्ट्री हुई, स्केलेटन मिला, तो इतनी जल्दी आपने ये ट्रेस किया है कैसे? नहीं, पुलिस ने सारे घटनाक्रम पे नज़र रखते हुए विभिन्न एंगलों से जांच की थी। इसमें 3 टीमें गठित की गई थी और जैसा कि थोड़ा जो हमारा सीन ऑफ क्राइम था वो डाउटफुल हमें लग रहा था तो हम सारे एंगल से जांच कर रहे थे कि बॉडी असली है कि नहीं है, ये भी हमारे माइंड में था, या कोई और एंगल से किसी ने मर्डर करवाया है या कोई और घटनाक्रम हुआ है, तो हम विभिन्न एंगलों पर जाँच कर रहे थे। और अभी जो कंक्लूजन्स हैं जो फिलहाल जो आए हैं वो हमने आपको बताए हैं। अभी इसमें और कई नई चीज़ें आ सकती हैं जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में आपको जल्दी बताया जाएगा। तो एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, इसने फोन किया अपने रिश्तेदार को, तो उसके बारे में कुछ पता चला? मुझे खुद ने किया था सर, इसके परिवार वालों ने किया था। अभी जो प्राइमा फेसी जैसा कि आप सभी को भी मालूम है वो उसने कॉल किया था परिवार वालों को कि उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल और 1 कार वाले उसके पीछे लगे हुए हैं,
तो वही ऑडियो वायरल हुआ था, वो सब आपके सामने है। परिवार की तरफ से हुआ था या इसकी तरफ से आपकी जात में इसके परिवार ने वायरल किया, इसी ने किसी नहीं वायरल के बारे में अभी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है किसने किया, पर जो ऑडियो था वो परिवार वालों ने हमें बताया था। जब पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुँची थी, परिवार वाले भी आए थे, तब उन्होंने बताया था कि इस प्रकार की कॉल आई है और उन्होंने वो ऑडियो क्लिप हमें भी सुनाई थी। अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी कोई जो मेलाफाइड या कोई भी चीज़ अभी सामने नहीं आई है, बट भविष्य में आ सकती है, अभी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पूरा मैटर। ये 10वीं पास था। सर ये फैक्ट्री में कितने दिन से नहीं गया था, गया था जो इसकी फैक्ट्री है बता रही है बंद है फैक्ट्री। जो फैक्ट्री जो अभी तक प्रारंभिक सूचना है उसके मुताबिक जो 6 तारीख की घटना है, ये 6 तारीख को फैक्ट्री गया था। तो वहाँ पर इनके कर्मचारी वगैरह हैं, उन्होंने बताया सर कर्मचारी हैं इसके कोई काम करते हैं फैक्ट्री में अभी? नहीं, फैक्ट्री इसकी चल रही थी और बाकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, वो आपको बाद में बताई जाएगी। अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पैसे इसके द्वारा निकाले गए हैं एक्सिस बैंक से, जो टोटल अमाउंट था 10,90,000 का, वो पैसा निकाला गया है। वो पैसा कहाँ गया उसके बारे में भी जल्दी आपको बताएंगे। अभी बरामद नहीं हुआ सर वहाँ पैसा, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो भी चीज़ इस बारे में आएगी रिकवरी के बारे में पैसे के बारे में वो आपको जल्दी बताएंगे। अभी इसको यहाँ लाया जाएगा और चूंकि अभी लीगल प्रोसीजर उसमें होगा कि ये राममेरी है, उसकी शनाख्त भी करवाई जाएगी परिवार द्वारा फॉर्मली, वो सारी प्रक्रिया होगी। सर उसके परिवार को बता दिया गया सर? इसके परिवार में किसी ने ऐसी आशंका जाहिर की थी सर कुछ? नहीं, अभी जो मेरे नोटिस में ऐसी कोई आशंका हमारे सामने अभी जाहिर नहीं की थी। अभी ये जब आ जाएगा उसके बाद पूछताछ होगी और आगे जब जांच होगी तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको अभी थोड़ी जांच के बाद आपको बताई जाएंगी। ये सारी चीज़ें अपने पत्र को डिस्क्लोज करता था नहीं करता था, ये सारा सीक्रेट रखता था? ये अभी हमें जानकारी नहीं है, इस बारे में अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और आपको जैसे ही हम लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करेंगे तब आपको बताया जाएगा। अभी तक की जांच में देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो इंश्योरेंस के बारे में हमें प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है कि इंश्योरेंस इसका था, अब उसने क्यों किया इस बारे में अभी पूछताछ के बाद ही पता चल सके। ऑल द डिटेल्स, जो फर्दर डिटेल्स हैं वो अंडर अभी इन्वेस्टिगेशन है, सेंसिटिव डिटेल्स हैं, तो एक बार ये सारी हमारी जो तफ्तीश है उसको थोड़ा पूरा होने दीजिए, उसके बाद हम आपको सारी जानकारी देंगे। सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि वो 11 लाख रुपया आप डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो उसका क्या रहा 11 लाख रुपया, वो हम आपको जल्दी उसका खुलासा करेंगे। सर आपने कहा कि रिसेंटली इसने 50 लाख की पॉलिसी करवाई थी, कितने महीने पहले करवाई, कितना टाइम पहले? मैंने कहा कि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है, अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स नहीं आई है कि पॉलिसी एग्जैक्टली कितने की है और कब करवाई गई है, यह भी प्राइमा फेसी जो बातचीत में या पूछताछ में आया है, एग्जैक्टली आप आने दीजिए, उसके बाद हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके कितने विदिन टाइम पीरियड में पुलिस इस एंगल पे जांच करने लगी थी? पुलिस को लगभग 24 घंटे में इसके बारे में पता चल गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है और उस एंगल पे पुलिस वर्कआउट कर रही थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.